हेलो गाइस, तो यह है स्टेज वन ऑफ प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम समझेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के कौन से प्रोविजन सीआरपीसी में दिए गए हैं, और अगर पुलिस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज और रास्ते होते हैं। और लास्टली बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है। तो एफआईआर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन है वो दी है सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी के अंदर। तो ये हमें बताता है कि ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें अरेस्ट जो है विदाउट वारंट की जा सकती है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें कि वारंट क्या होता है, तो वारंट एक प्रकार की परमिशन होती है जो मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को देता है कि पुलिस ऑफिसर उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है। पर इसी का उल्टा अगर हम समझे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में वारंट पाना एक बहुत ज़्यादा असेंशियल कंडीशन हो जाती है, और उसके बिना पुलिस ऑफिसर कोई भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट नहीं कर सकता है। और सीआरपीसी के बेयर एक्ट के पीछे एक लिस्ट दी है जिसका कॉलम 3 आपको बता देगा कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं। सो एफआईआर का सबसे मेन प्रोविजन होता है सेक्शन 154। तो 154 का जो क्लॉज 1 है वो हमें प्रोसीजर बताता है जो प्रोसीजर फॉलो करके हम एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। पर ये पैराग्राफ में पढ़ना मुझे काफी बोर लगता है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सो सेक्शन 154 हमें बताता है कि जब भी कोई प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड ही फाइल होती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सेक्शन 155 के अंदर एनसीआर फाइल होती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन्फॉर्मेंट ओरली सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर को बता देता है और पुलिस ऑफिसर उसे रिटन फॉर्म में लिख लेता है, है ना, और फिर ऑफिसर पढ़ के सुना देता है इन्फॉर्मेंट को कि क्या क्या चीज़ें उसने लिखी है। ये चीज़ चेक करने के लिए कि पुलिस ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन लिखते समय कोई गलतियां तो नहीं हो गई है, और उसके नीचे इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर ले लेता है। और फाइनली एक रजिस्टर होता है हर पुलिस स्टेशन में, एफआईआर का रजिस्टर, उसमें इस एफआईआर की डिटेल्स को वो लिख देता है कि इस दिनांक को इस ऑफेंस से रिलेटेड एक एफआईआर आई है। तो ये फर्स्ट क्लॉज हमें एक सिंपल सा प्रोसीजर बता देता है जिसे हम फॉलो करके एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। फिर इसका सेकेंड क्लॉज बताता है कि जब एफआईआर पूरी तरीके से रजिस्टर हो जाती है तो इसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दे दी जाती है। फिर सेम सेक्शन में वुमेन्स के लिए दो प्रकार के प्रोटेक्शन दिए गए हैं। सो ये जितने भी ऑफेंसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ऑफेंसेस वुमेन्स के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं, और जब भी ऐसे ऑफेंसेस कमिट होते हैं तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही ऐसे ऑफेंसेस की एफआईआर रजिस्टर करता है। और सेकेंड प्रोटेक्शन ये कि अगर उस ऑफेंस की वजह से विक्टिम को कुछ डिसेबिलिटी हो गई, उसको कुछ बहुत गंभीर इंजरीज पहुंच गई है, तो पुलिस ऑफिसर जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर उसके रेसिडेंस पे जाके, उसके घर पे जाके एफआईआर रजिस्टर करेगी। सो ये तो बात हो गई कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो सेक्शन 155 उससे डील करता है। तो ये भी एक नॉर्मल प्रोसीजर बताता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर एक बुक में उसको रजिस्टर कर लेता है। तो प्रैक्टिकली एक एनसीआर का रजिस्टर होता है हर पुलिस स्टेशन में, उसके अंदर इस ऑफेंस की वो डिटेल्स लिख देता है। फिर उसके बाद इस रजिस्टर को मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्योंकि सेकेंड क्लॉज एक जनरल प्रोविजन बताता है कि विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। सो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसमें पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती, पर अगर वारंट उसे मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है मैजिस्ट्रेट से, तो वो कौन सी पावर्स यूज करेगा इन्वेस्टिगेशन करने की? सो क्लॉज 3 सेक्शन 155 का हमें इस चीज़ का आंसर देता है। ये कहता है कि जो पावर्स पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज करता है, वही सेम पावर्स वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए करता है, यूज करता है। देन ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस एक साथ कमिट किए गए हैं
और उनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, तीसरा भी नॉन कॉग्निजेबल है। तो जब हम तीनों ऑफेंसेस को मिलाएंगे तो तीनों मिलके क्या बनेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो इसका आंसर देता है सेक्शन 155 का क्लॉज 4, और हमें एक फॉर्मूला सिंपल सा बताता है कि अगर कितने भी ऑफेंस कमिट किए गए उनमें से एक ऑफेंस भी अगर कॉग्निजेबल है तो वो सारे मिलके बन जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर थेफ्ट का ऑफेंस और सिंपल हर्ट पहुंचाने का ऑफेंस एक साथ कमिट किया जा रहा है तो थेफ्ट का ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और सिंपल हर्ट पहुंचाने का ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये दोनों को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर उसके बाद अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है जिसकी FIR रजिस्टर करने से पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया है तो सेक्शन 154 का क्लॉज 3 हमें बताता है कि वो पर्सन क्या कर सकता है, रिटन में जो उसके साथ ऑफेंस कमिट किया गया है उसके सब्सटेंशियल पार्ट को लिख के बाया पोस्ट किसको भेज देगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज देगा। और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना, FIR रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के डायरेक्शन दे देगा उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर को। सो गाइज, ये थे इस FIR के असेंशियल प्रोविजन सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155, और इसकी एविडेंट्री वैल्यू हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप फ्रीली नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उसे पूछ सकते हैं।